ये कहानी होने वाली है शहर के सबसे बड़े और फेमस डॉक्टर की, जो कि अपने पेशेंटों की मजबूरी का फायदा उठाता है, उन्हें नशीला पदार्थ पिलाता है, उनके बाद में वो फिजिकली रिलेशनशिप बनाता है, जिसके बाद में उनके साथ कई प्रकार की चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की लाइफ को आने वाले फ्यूचर में मुश्किलों में डालेगी। तो जी हाँ, एक बार फिर से हमारी वो लिस्ट आपके सामने हाजिर हो चुकी है जो कि टॉप 5 वेब सीरीजों के नाम से जानी जाती है, जिसमें पहली और दूसरी तो मुश्किल ही आपने देखी होगी क्योंकि हाल ही के टाइम में वो रिलीज हुई है, जहाँ पर लोगों ने काफी पसंद किया है। इस लिस्ट में हमारे नंबर 5 पे जो सीरीज आती है उसका नाम होने वाला है द गोन गेम 2, जिसे IMDb ने 8.0 की रेटिंग दी थी। कहानी में दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो कि अपने आप को बेगुनाह साबित करने के पीछे तुली हुई होती है। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि वो अपने आप को बेगुनाह मानती, जबकि अपोजिशन वाले उसे बर्बाद करना चाहते हैं और इसी की वजह से उसने काफी सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके उसके बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। उसके बाद में हमारे अगले नंबर पर आती है द स्टोनमैन मर्डर, जिसे IMDb ने 8.0 की रेटिंग दी थी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टोनमैन। कहानी होने वाली है एक ऐसे साइको किलर की जो कि इस रोड पर सोने वाले लोगों को टारगेट कर रहा होता है, उनको उठाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर देता है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा, आखिर इस सिलसिले को कौन रोकेगा, कई सवाल होंगे जिनके जवाब आपको ये सीरीज देगी। उसके बाद में हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पे वो सीरीज आती है जिसके बारे में हर किसी को पता है, जिसका नाम था मर्जी। IMDb ने 7.7 की रेटिंग दी थी। कहानी चलती थी एक बड़े सस्पेंस को लेकर जो कि आखिर में उजागर होता था। कहने के लिए वो एक डॉक्टर था जो कि शरीफ था, उसकी काफी अच्छी रेपुटेशन भी थी, लेकिन वो अलग ही अलग प्रकार का एक अलग धंधा कर रहा था जो कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो स्पेशली लड़कियों को टारगेट करता था, उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर उनके साथ फिजिकली अटैचमेंट करता था, जिसके बाद में कई सवाल उसके सामने खड़े होते थे। कुछ लड़कियां जो कि अपना बचाव नहीं करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर एक लड़की अपना बचाव करने के लिए खड़ी हो चुकी है, तो ऐसे में डॉक्टर किस तरीके से डील करेगा। सीरीज में आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी जो कि एक्चुअल में आप देखना चाहते हो। उसके बाद में हमारे इस लिस्ट में वो सीरीज आती है जो कि आज तक की ऑल टाइम हिट रही है, जिसका नाम था असुर का सीजन 2। पहले सीजन में क्या हुआ सभी को पता था, दूसरे सीजन में भी उन्हीं चीजों को कंटिन्यू किया गया था जो कि एक अच्छी स्टोरी लाइन को दिखाता था। कहानी में सारे लूटपाट को दिखाया जाता है, आखिर क्या होगा, कास्तिका किस तरीके से डील करेगी, क्या नहीं होगा, उन्हीं चीजों के लिए आपको ये सीरीज देखनी चाहिए। उसके बाद में हमारे नंबर 1 पर आती है इंस्पेक्टर अविनाश, जिसे IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी थी। कहानी वैसे सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। यूपी पुलिस का अधिकारी अविनाश जो कि क्राइम करने वाले या गलत काम करने वाले लोगों के लिए मौत का दूसरा नाम बन चुका है। जो भी गलत काम कर रहा था वो सीधा उसका एनकाउंटर करता था और ये एनकाउंटर ही उसकी मौत का कारण बनता है। आखिर उसे क्यों मारा गया, कई सवाल ये सीरीज छोड़कर जाती है आपके लिए जो कि ऑब्वियसली आपको देखने चाहिए।